जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। यूपीएससी का फॉर्म आ चुका है और अभी भी एक रैंकिंग आया था कि यूपीएससी जो है वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम में से आता है, 3 नंबर पे है। चाइना का एक एग्ज़ाम है गाओकाओ, वो रैंक 1 था यूपीएससी और आईआईटी। ये इंडिया में बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम होता है और इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। मेरे साथ कुमार शिवाशीष जी हैं जिन्होंने 2 बार यूपीएससी निकाला है, एक बार 108 रैंक और एक बार 171 रैंक। आइए जानते हैं इनकी जर्नी कैसे शुरू हुई। सर, कैसे स्टार्ट हुआ, आपने कहाँ से प्रिपेयर किया, स्कूलिंग से लेके यूपीएससी तक का जर्नी जानना चाहेंगे। नमस्कार, मेरी स्कूलिंग हुई थी लिटिल फ्लावर स्कूल जमशेदपुर में। वहाँ पे मैंने केजी से 10 तक की पढ़ाई की, फिर 11 12th मैं कोटा गया था तैयारी करने आईआईटी का। फिर 2013 से 18 मेरी आईआईटी खड़गपुर में पढ़ाई हुई थी और 18 ऑनवर्ड्स मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था। फाइनल ईयर में मैंने स्टार्ट कर दिया था। फिर मेरा मैथ्स ऑप्शनल था तो 4 महीने के लिए मैं दिल्ली गया था, उसमें मैंने मैथ्स का ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज लिए थे। और फिर बैंगलोर में इनसाइट्स आईएएस विनय सर के अंडर मेरी प्रिपरेशन हुई जनरल स्टडीज़ की, तो वो आई थिंक 1 साल रहा। और फिर 2019 में जो सीएससी का फॉर्म आया वो मैं भरा था, और 2019 में प्रीलिम्स और मेंस निकला और 2020 में इंटरव्यू निकला। तो सर, 2000 आप बता रहे हैं कि आईआईटी ने आईआईटी किया, तो आईआईटी से क्यों इंजीनियरिंग सर्विसेज में नहीं जाके आपने आईपीएस चुना और फिर सिविल सर्विसेज में आए? इंजीनियरिंग सर्विसेज भी मुझे इंटरेस्ट था, बट मेरा आईआईटी में डिग्री था मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, एमएससी डिग्री था, वो इंटीग्रेटेड बीएससी प्लस एमएससी था। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मैं एलिजिबल नहीं होता हूँ। अच्छा। क्योंकि उसके लिए बीटेक या एमटेक होना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए द चॉइस वाज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो मैंने फिर परस्यू किया था। उसके बाद फिर जॉब के लिए नहीं सोचा, सीधे तैयारी किया ऐसा? हाँ, मतलब जॉब के लिए मेरा डॉयचे बैंक एक जर्मनी की बैंक है जिसमें मुझे मेरी इंटर्नशिप थी और मुझे एक प्री प्लेसमेंट ऑफ़र मिलता है। प्लेसमेंट के पहले ही वो आपको जॉब ऑफ़र कर देते हैं, पर मुझे मन नहीं था इंडिया छोड़ने का। वो लंदन बेस्ड या मुंबई में ज़्यादा रखे जनरली लोग उसमें इंडिया के बाहर चल जाते हैं, मुझे इंडिया में रहने का बहुत मन था, तो मैंने उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा। और उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी में लग गया तो था। कितना टाइम देते थे, आपने कहा कि लास्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन, तो गोल इंजीनियरिंग में जाने के बाद था कि स्कूल लाइफ से ही आपका एम था? स्कूल लाइफ में ऑफकोर्स जब मतलब हमारे स्पोर्ट्स डे में जमशेदपुर के डीसी सर या एसपी सर कोई आते थे, स्पेशली मेरे अभी आईपीएस में सीनियर हैं नवीन कुमार सिंह सर जो अभी दिल्ली में एनटीआरओ में है सर, तो वो मेरे एक स्पोर्ट्स डे में आए थे, तो उस टाइम मुझे आईपीएस में बहुत रुचि आई थी। और जनरली आईएएस और आईपीएस में तो आई थिंक झारखंड बिहार में आप भी जानते होंगे सब में थोड़ी सी रुचि हमेशा रहती है, तो उसके बाद वो था। बट इंजीनियरिंग जब मैंने किया था आईआईटी खड़गपुर में, मैंने ट्राई किया बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का, मैंने इंटर्नशिप्स में जॉब किए, स्टार्टअप्स में जॉब किए, पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी मैंने रिसर्च किया था, बट फिर मुझे लगा कि मुझे इंडिया में ही रहना और यही करने का मन था। मतलब पहले से ही मन बनाया था स्कूल लाइफ से, स्कूल में इंप्रेशन जी जरूर वो बन गया था। तो कितना टाइम देते थे, जैसे पढ़ाई तो आईआईटी में बहुत टफ होता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, तो कितना टाइम आप निकालते थे खास प्रिपरेशन के लिए यूपीएससी के लिए? फाइनल ईयर में ट्राई करता था कि बेसिक मेरे बुक्स जितने हैं वो ख़त्म हो जाते, क्योंकि जब तक आप कॉलेज में, फाइनल ईयर एक्चुअली थोड़ा लाइट होता है तो उसमें थोड़ा समय निकल जाता था, बट उसके बाद एक बार फाइनल ईयर ख़त्म हुआ तब तक मैंने बेसिक बुक्स अपने सारे पढ़ लिए थे। फिर जब जून 2018 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो फिर मैं प्रॉपर यूपीएससी प्रिपरेशन में लगा दिल्ली और बैंगलोर जाके। वहाँ पे वही कोचिंग नहीं ली थी बट मैं टेस्ट सीरीज़ बहुत रेगुलरली देता था, तो हर हफ्ते मैं 2-3 टेस्ट देता था जिसके कारण अब पढ़ते ही रहते, क्योंकि आज टेस्ट दिया और फिर परसों एक और टेस्ट है तो फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, तो वो मुझे बहुत हेल्प करता था। तो हम लोग डिस्ट्रैक्शंस की बात करें तो क्या मेजर डिस्ट्रैक्शंस होता है स्टूडेंट्स लाइफ में, अगर हम पढ़ाई करते हैं और बीच में कुछ इवेंट आता है तो उसको कवर करने, मतलब इवेंट ज्वाइन करते हैं, जैसे शादी हो गया, फंक्शन हो गया, या फिर दोस्तों के साथ ऐसा घूमना, तो ये सब कितना रहा आपकी लाइफ में? ये थोड़ा यूपीएससी में मतलब मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया था, मेरे भाई महाराष्ट्र कैडर के आईएएस हैं 2016 बैच के, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि यूपीएससी में वो सन्यासी वाला थोड़ा लाइफ ज़रूरी हो जाता है, तो सोशल मीडिया एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन है जिसे आप आराम से छोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसे ज़रूर छोड़ दीजिए। और उसके अलावा देखिए परिवार में आपकी लाइफ चलते रहती है, वो हमेशा होगा, तो आई थिंक उसमें जो डिस्ट्रैक्शंस आएंगे वो तो नेचुरल हैं, वो सबके लाइफ में आ रहे हैं, वो हर एस्पिरेंट के लाइफ में आ रहे हैं, तो उसको लेके ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जो डिस्ट्रैक्शंस आप अननेसेसरीली क्रिएट करते हैं, जो हो गया यूट्यूब देखना, इंस्टाग्राम देखना, फेसबुक, ये सब वो सब, बहुत ज़्यादा घूमने जाना, ये सब थोड़ा लिमिटेड रहता था, अब
मेरे भाई की शादी थी मेरे प्रीलिम्स से 2 महीना पहले और उसमें मैं 1.5 दिन के लिए बस जा पाया था। अच्छा, तो कुछ कुछ तो कुर्बानी आप करेंगे उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट सेक्रीफाइस है जो आपको देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, मतलब अपने भाई की शादी में तो सबको मन करता है कि शुरुआत से अंत तक इन्वॉल्व रहे, जितना मजा है उतना है। बट आई थिंक मैं मंडे सुबह में गया था, ट्यूजडे शाम में शादी थी और ट्यूजडे रात में ही मैं वापस आ गया था लेट नाइट 2-3 बजे। बस वैसे ही रहता था, फ्लाइट में भी पढ़ाई की थी। तो फर्स्ट टाइम जब आपने निकाला 108 रैंक आया, उसके बाद फिर आपने कहा कि दूसरी बार भी दी, तो ये एक कॉन्फिडेंस था कि अच्छा रैंक लाने के लिए, या फिर क्या ऐसा प्लान? ये ऐसा था कि मेरे दिमाग में था कि दिस ये जो प्रिपरेशन का जर्नी है इसमें मिनिमम 3-4 साल सबके लगते थे। अब भगवान के दया से मेरा 1.5 साल में हो गया था, तो मुझे लगा था इतना जल्दी अगर हो गया तो एक और शॉट लेना चाहिए एक बेटर रैंक के लिए, और इसीलिए मैंने 1 साल और तैयारी की। मैंने एक EOL का कॉन्सेप्ट होता है, एक्स्ट्रॉर्डनरी लीव आप ले सकते हैं। हाँ। तो विदाउट सैलरी आपको सरकार 1 साल की लीव देती है फिर से एग्जाम देने के लिए। अच्छा। तो मैंने वो अवेल किया था और फिर मैंने तैयारी की और फिर मेरा रैंक 171 आया। वो ऑप्शनल का कुछ मैथ्स के कारण थोड़ा कम ज़्यादा हुआ था, बट आई थिंक वो भी बहुत अच्छा डिसीजन था कि बहुत जल्दी कुछ मिल जाता है तो आप उसका वर्थ समझते नहीं है। तो जब फिर से मेहनत की और फिर से वो हुआ तो लगा कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया हो चुका है, अब इसी को परस्यू करना चाहिए। तो वही दोनों बार की तैयारी में क्या डिफरेंस रहा? जैसे पहला तो आपने पहला इंजीनियरिंग के टाइम से तैयारी कर लिया था, लेकिन दूसरा आप जॉब छोड़ के आप बता रहे हैं कि 1 साल का लीव लेके, तो उसमें क्या डिफरेंस था? एक प्रेशर था कि जॉब में मतलब टाइम चल जाएगा या फिर नहीं? इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट थोड़ा कम था, क्योंकि जब पहली बार तैयारी कर रहे थे तो हाथ में कुछ भी नहीं था, जब दूसरी बार तैयारी कर रहे थे तो हाथ में ऑलरेडी IPS था और तब तक मेरा कैडर होम कैडर आ भी चुका था, तो स्ट्रेस ऑनेस्टली कम था, प्रेशर कम था, इसलिए रैंक अच्छा नहीं आया। हाँ, प्रेशर ये भी हो सकता है, बट उसमें ये हो गया था कि मैथ्स ऑप्शनल जो था उसको थोड़ा बुचर किया गया था, उस साल थोड़ा कम नंबर दिए गए थे, तो जो बाकी जो चीज़ थे जो कॉन्स्टेंट रहे, जैसे जनरल स्टडीज़ में बहुत अच्छी नंबर है, सब कुछ हुआ, मैथ्स में थोड़ा कम हो गया, बट वही प्रेशर कम था, इट वॉज मच बेटर, तो दैट वॉज इट। अपार्ट फ्रॉम अगर पढ़ाई की बात करें, उसके अलावा कुछ हॉबीज था आपका? हम देखते हैं सबसे बात करते हैं तो कुछ अलग हॉबीज रहता है, तो क्या कैसे टाइम निकालते थे उसके लिए? हॉबीज आई थिंक आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि वो प्रिपरेशन ऐसा है कि बहुत नेगेटिव प्रिपरेशन ऑनेस्टली है कि आप टेस्ट देते हैं उसमें ऐसा नहीं होगा कि हमेशा आपको अच्छे नंबर आएंगे, खराब नंबर आएंगे, इनफैक्ट शुरुआत में खराब नंबर आएंगे ही आएंगे, तो उससे डील करने के लिए कुछ ऐसा हो जो जस्ट टू टेक योर माइंड ऑफ थिंग्स फॉर अ वाइल, वैसा चीज़ होता है। तो उसमें मैं फुटबॉल परस्यू करता था, कभी कभी खेल भी लेता था, देखता बहुत रेगुलरली था, मैं फुटबॉल क्लब बार्सिलोना का फ़ैन था तो मैं वो बहुत रेगुलरली देखता था। और उसके अलावा आई थिंक जो मेरे लिए ज़रूरी रहता था वो मैं किताब पढ़ते रहता था, किताबें पढ़ने की आदत आई थिंक UPSC इंटरव्यू में बहुत हेल्प करती है, तो वो आदत हमेशा मेंटेन रखा जाए। ऑब्वियसली जब आप तैयारी करते हो थोड़ा कम टाइम दे पाते हैं, बट तब भी देते रहिए, ऐसा नहीं हो कि आप बस सिलेबस ओरिएंटेड इंसान निकले, क्योंकि सिलेबस जो है और जो सर्विस है वो बहुत डिफरेंट है, तो आप किताब पढ़ते रहेंगे थोड़ा रेलिवेंट, तो अच्छा आपको काफ़ी उससे फ़ायदा होता है। इंटरव्यू की बात करें तो आपका मेंस जब कंप्लीट हो गया तो इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी की? क्या पहले से प्रिपेयर्ड थे या फिर उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ा ऐसा? नहीं, इंटरव्यू के लिए हमेशा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए। एक मिथ्या है कि इंटरव्यू में आप जाइए आप जो हैं वैसे ही बन के जाइए, ये ऐसा नहीं होता, थोड़ा पॉलिश आपको करना पड़ता है। आप उस प्रिपरेशन को एक एडवांटेज मानिए कि ये मेरे में सुधार करने का एक मौका है। तो कुछ कुछ मैं गलतियां करता था जो रेगुलर बात करने में, उसको मैं रोकने लगा, बात के तरीके को और फॉर्मल किया, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और उसके अलावा आपको जो मेंस का सिलेबस है उसका अच्छा से प्रिपरेशन रहे, क्योंकि वो पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। और बाकी न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, जो आपके हॉबीज़ हैं उसको एकदम स्ट्रांग रखिए, तो फिर इंटरव्यू बढ़िया होता है। जैसे आपने 2 बार इंटरव्यू दे दिया, तो पहला इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आया और जो दूसरा इंटरव्यू में, उसमें क्या डिफरेंस था? क्योंकि लोगों को पता होगा कि आपने फिर से इंटरव्यू देखा, क्या डिफरेंस था? जो पहला इंटरव्यू था उस टाइम वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उसमें वो लोग करंट अफेयर्स के बारे में ज़्यादा पूछते थे, न्यूज़ के बारे में, IIT खड़गपुर के बारे में, मेरे ऑप्शनल के बारे में ज़्यादा सवाल थे। जब मैं दूसरी बार इंटरव्यू देने गया था तो आई वॉज ऑलरेडी एन IPS ऑफिसर ट्रेनिंग, तो मैं ऑलरेडी IPS ऑफिसर की ट्रेनिंग कर रहा था उस टाइम, जस्ट स्टार्ट हुआ था ट्रेनिंग, तो उसमें बहुत सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अच्छा। कि यदि आपके साथ ऐसा हुआ, कभी भीड़ उग्र हुई, तो आप कैसे उसे डील करेंगे, क्योंकि उस टाइम दे आर जस्ट ट्राइंग टू जज कि इसको सर्विस चेंज करना है या नहीं करना है, तो बहुत सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं। उसमें करंट अफेयर्स रिलेटेड बहुत कम था, उसमें आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो क्या ज़्यादा मार्क्स किस में आया इंटरव्यू में, पहले वाले? बट दोनों में बहुत कम डिफरेंस था, एक में आई थिंक 192 था और दूसरे में आई थिंक 184 था, तो वो बहुत माइनर डिफरेंस होता। तो हम लोग बात कर रहे थे कुमार शिवासी जी से, जो 2 बार IPS निकाल चुके हैं, 2 बार UPSC निकाल चुके हैं, एक बार रैंक 108 और 173। सेकंड 71। सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे कैसे UPSC की तैयारी अभी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो करें, आइए जानते हैं।